शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कि मुझे तो लगता है कि भाभी को मुझ पर शक होने लग गया है। उन्होंने तो भैया और माँ के सामने बात को इतनी बढ़ा चढ़ाकर कहा कि सलोनी, हम तुमसे कोई बात करना चाहते हैं। कहीं ना भाभी, और कुछ भी कहना बाकी रह गया है तो वो भी कह दीजिए। हम जानते हैं कि तुम्हें हमारी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपने तो कुछ भी नहीं किया भाभी, बस भैया को मेरे खिलाफ थोड़ा बहुत भड़काया ही तो है, और कुछ भी तो नहीं किया। आज तक भैया ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन आज तुम्हारे भैया ने आज भी तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं किया सलोनी। उन्होंने जो कुछ भी कहा तुम्हारी भलाई के लिए कहा। भाभी प्लीज, मेरे लिए क्या अच्छा क्या बुरा है मुझे अच्छी तरह से पता है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। आपको मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन झूठ बोलना तो कोई समझदारी नहीं हुई सलोनी। हमने को तुम्हारे फोन पर विक्की नाम फ्लैश होते हुए देखा था। सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से आकाशों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हमने को तुम्हारे फोन पर विक्की नाम फ्लैश होते हुए देखा था, जिसे तुम वर्षा कह के बात कर रही थी। सलोनी, हमें समझ में नहीं आता कि अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है, वो भी हमसे। भाभी और ननंद का रिश्ता तो सहेलियों जैसा होता है। अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो तुम हमें बता सकती हो, हम और राज भैया उनसे मिलने जाएंगे, और अगर हमें तुम्हारी पसंद अच्छी लगी तो हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारी पसंद को घर के सभी लोगों की पसंद बना देंगे। सच भाभी? हेलो, मैं तुम्हें दोबारा फोन करती हूँ। सलोनी, आई एम लिसनिंग टू मी, अपनी भाभी को कुछ मत बताना प्लीज, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? देखो सलोनी प्लीज, देखो ओके सॉरी आई एम सॉरी, देखो प्लीज अपनी भाभी को कुछ मत बताना। मैं तुम्हें सबको समझाऊंगा, लेकिन प्लीज अभी अपनी भाभी से कुछ मत बोलना, ओके सलोनी? हाँ, तो तुम अपनी पसंद बताने वाली थी, बताओ कौन है वो? कोई भी तो नहीं। लेकिन सलोनी, अभी तो तुमने भाभी, मैंने कहा ना मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। पर क्यों विक्रम, तुमने मुझे मना क्यों कर दिया कि मैं भाभी को कुछ ना बताऊं? आफ्टर ऑल कभी ना कभी तो हमें घर वालों को बताना ही है ना। हाँ, तो बताएंगे ना, बिल्कुल बताएंगे। मैं क्या मना कर रहा हूँ, नहीं बताएंगे, लेकिन सही वक्त आ रहा है। वैसे भी तुम ही मुझे कह रही थी ना कि तुम्हारी भाभी को कोई घर में खास पसंद करता नहीं है, और अब तुम खुद ही सोचो, अगर हम तुम्हारी भाभी से बात करें तो हमारी जितनी भी बनती हुई बातें हैं ना, ये सब बिगड़ जाएंगे। कमऑन यार, इतनी जल्दी क्या है? तुम खुद जानती हो मैं एक नया काम चालू करने जा रहा हूँ, बस वो एक बार काम बन जाए ना, बिकम इंडिपेंडेंट, मैं खुद अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेजूंगा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट अब तुम अपनी भाभी से कुछ नहीं बोलोगी, ओके? पता नहीं तुम्हारी भाभी अगर तुम्हारे भैया के दोबारा से कान भर दे तो फिर हमारी ये जो हसीन मुलाकातें हैं ना, इनका यहीं पे दी एंड हो जाएगा, और तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँ। ओके बाबा, चलो अब। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बता दिया, वरना
मैं तो भाभी की बातों में आकर उनको सब कुछ बताने वाली थी। चलो अब ये सब बातें छोड़ो। ओके गिव मी अ नाइस किस। नहीं बुरी मीन नहीं है, देखो यार आसपास कोई नहीं है। नहीं विक्रम प्लीज कम ऑन यार, देखो यार ऐसी कोई ऐसी तस्वीर तो होनी चाहिए ना जिसे देख के मैं अपने मन को तसल्ली कर सकूं जब तुम मेरे पास ना हो, समझ रही हो ना। वन किस। मंगल छठवें स्थान पे, गुरु ग्यारहवें स्थान पे और मंगल की सीधी दृष्टि गुरु पे, यानी पनौती। क्या हुआ भाई, आज कौन से ग्रह मिला रहे हो? अरे कल मेरा इंटरव्यू है ना चैताली, उसी की तैयारी कर रहा हूँ मैं। ये इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं आप? भाभी क्या है ना कि कल मेरा जो इंटरव्यू है और जिस कंपनी में मुझे इंटरव्यू देना है ना उसके मालिक की कुंडली मैंने बना ली है। अब उसकी कुंडली को मैं अपनी कुंडली से मिलाकर देख रहा हूँ। इंटरव्यू देने के लिए आप कुंडलियाँ मिला रहे हैं? भाभी छोड़िए आप, ये बहुत गहरा ज्ञान है, आपकी समझ में नहीं आएगा। हाँ रानी, सारा खेल सितारों का है। हंस लो जितना हंसना है हंस लो, लेकिन देख लेना जिस तरह से मैं ये कुंडली बना रहा हूँ ना इससे मुझे पक्का पता है कि ये नौकरी तो मुझे मिलने ही नहीं वाली है। हाँ कुछ पूजा पाठ करके भी मैं इसका अगर तोड़ निकाल लूँ तो भी आप उस पे ज्यादा टिकोगे नहीं, क्योंकि सितारे नहीं मिलते। भाभी आपके साथ रह रहकर ये भी बहुत इंटेलिजेंट हो गई है। हाँ भैया भी बस। कितनी प्यारी कढ़ाई की है, हमें भी सिखाओगी? तुम सीखोगी तो जरूर सिखाऊंगी। अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद तुम्हें खुश देखकर। क्या बात है, खुशी की कोई खास वजह? पहली बार किसी को मेरी तस्वीर पसंद आई है और हमारी कुंडलियां भी मिल गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा इम्तिहान देने जा रही हूँ और नतीजा पता नहीं क्या निकलेगा। इम्तिहान भी अच्छा जाएगा और नतीजा भी बहुत अच्छा होगा। वैसे जो भी तुमसे शादी करेगा ना चेताली, वो बहुत खुश नसीब होगा। वो लोग आ कब रहे? आज शाम को। आज शाम को? बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारी साड़ी, तुम्हारा मेकअप। तो क्या हुआ, पहना तो तुमने है और जो तुम्हारे चेहरे पर खुशी है यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा गहना है। रानी काश जितनी अच्छी तुम्हें लग रही हूँ उतनी उन लोगों को भी लगूं जो देखने आ रहे हैं। ऑफ कोर्स लगोगी, इसमें घबराने वाली क्या बात है, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। और आप क्या कर रहे हैं भैया, आपको कोई शर्ट नहीं पसंद आ रही? नहीं भाभी ये है ना, पर क्या है ना कि आज जो भी शर्ट मैं पहनूंगा ना वो मुझे दान में देनी पड़ेगी। क्यों? वो क्या है भाभी, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये मंगल और गुरु एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर। अब ये योग जो है वो 20 साल में कभी एक बार आता है और जब ये योग आता है तब अगर आप जो शर्ट पहनी हो वो किसी और को दान में दे दो ना तो रेडीमेड गार्मेंट की फैक्ट्री लग जाएगी, है ना? करेक्ट। देखा भाभी बहुत इंटेलिजेंट हो गई है ये। पता है आज तक ऐसी 150 अलग अलग चीजों की फैक्ट्रीज तो लगी चुकी है। हमारी बेटी बहुत सीधी सादी है, घर का सब काम आता है उसे और स्वभाव से तो एकदम गाय है बेचारी। अरे कोकिला बहन, हमें भी तो अपनी बहू के तौर पे बस घरेलू लड़के चाहिए थे ना, और क्या। वैसे तो हमारे बेटे तेजस के लिए बड़े रिश्ते आए भाई, लेकिन शादी तो वहीं होगी जहाँ संजोग होंगे।
और भाई शादी से पहले तो हर लड़की गाय होती है, शेरनी तो शादी के बाद बनती है और ऐसे अंगूठा दिखाती है ऐसे घर वालों को बात। नहीं नहीं हमारी बेटी ऐसी नहीं है। आप फिर किनकी बातों में आ गए, ये मजाक मस्ती करने की इनकी तो आदत है। आप भी ना बस चुप रहिए। लड़की वालों के साथ मजाक मत करिए प्लीज। चार में तेजस दिकरा को और चेताली दिकरे को थोड़ी देर के लिए कमरे में बातचीत करने दी जाए। कोकिला, अरे गाजर का हलवा है। अच्छा सुन ना, क्या लगता है तुझे? सुरेखा, लगता है बात बन जाएगी। लड़के के माँ बाप तो राजी है, लड़का भी राजी है, उसकी नजर तो चैताली से हटती नहीं है। अच्छा अब मैं जब कहूँ ना तब गर्मा गर्म पकौड़े लेके आना। हाँ उसकी फिक्र तू मत कर, वो मुझ पर छोड़ दे। ठीक है, बस ये रिश्ता हो जाए। हाय। हाय मम्मी। मम्मी कह रही थी कि आप एम्ब्रॉयडरी बहुत ही अच्छा करती हैं। जी। से और क्या क्या शौक हैं आपके? तो रमणीक भाई एक बात हमें बता दीजिए कि सगाई की तारीख कब निकलवाई जाए? मुबारक हो। मैं आपकी मदद कर दूं। I mean, अगर आपको मदद की जरूरत है तो। वैसे बता रहे, अब पूछ लिए तो पकड़ लो। ये भी लूँ। ये भी दीजिए। वैसे आप वो डिंपी के भतीजे हो ना? जी। हाँ। क्या करते हैं आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्या सॉफ्ट? वो कंप्यूटर का होता है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्यूटर पे जो होता है। वो टीवी पे बैठ के टिक टिक करते वो। अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, जरा जल्दी चलना। हाँ। भारी है ना? नहीं ठीक है। अच्छा ठीक है, आइए। थैंक यू जी, थैंक यू। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है? बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, जीते रहो। थैंक यू। आओ बैठो। नहीं आंटी अभी। चाय वाय पी के जाओ ना। फिर कभी आंटी। हाय, कितना प्यारा बच्चा है ना?
अच्छा लड़का लगता है। ये मुझे तो ये बेचारा लगता है। क्यों? अरे मम्मी जी आपको पता है पूरे चौल भर में औरतों की थैलियां उठा उठा के उन्हें घर छोड़ता रहता है। अगर ये ऐसे ही करता रहा ना तो मुझे नहीं लगता इसे किसी और नौकरी की जरूरत भी पड़ेगी। पता नहीं आजकल कोई सॉफ्ट सॉफ्ट काम कर रहा है। सॉफ्ट बेवकूफ, सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं, सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर का काम करता है वो। और तूने ऐसे ही उसे बेचारा और बेवकूफ बोल दिया। क्या बेवकूफ बोलना तो बोल ही गई ना। चुप। सलोनी अच्छा लड़का है ना? मुझे तो बहुत पसंद आया। कौन? अरे वो नितिन। नितिन कौन? डिम्पी का भतीजा है। डिम्पी बता रही थी कंप्यूटर इंजीनियर है, पक्की नौकरी है उसकी। होगी, लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? वैसे सलोनी अगर तुझे लड़का पसंद है तो मैं फिर डिम्पी से आगे बात शुरू करती हूँ। कैसी बातें कर रही हूँ माँ, मुझसे पूछे बिना आप? इसमें तुझसे पूछने वाली क्या बात है? अब तेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो ब्याह करना है तेरा हमें कि नहीं? और फिर हमें तो सामने अच्छा भला लड़का दिख रहा है, हमें और क्या चाहिए? देखो माँ, मैं ऐसे किसी भी लड़के से शादी नहीं करना चाहती जिसकी हैसियत इस चौल में रहने भर की हो। तेरे लिए कोई राजा महाराजा आएगा बग्गी पे सवार होकर तुझे ले जाएगा यहाँ से? आ भी तो सकता है ना। देख सलोनी, तू मेरा और दिमाग खराब मत कर। मैं एक रानी से ही परेशान हूँ घर में, कहाँ से लेकर आ गई मैं भी महलवाली को। अब हमें और कोई राजा महाराजा इस घर में नहीं चाहिए, समझी तू? डराई दिया। और तुम डरी हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब छोड़ो, अब तो हमें डर नहीं लग रहा। अरे पहले मुबारकबाद तो दो। किस लिए? वो अपनी चैताली है ना, उसका रिश्ता पक्का हुआ है। वाह, ये अच्छा बहाना है पकड़ने का। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? वो जब मैं अपनी चाल एंटर कर रहा था तो चारों तरफ यही बात सुनाई दे रही थी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। वैसे इस चाल की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, किसी का भी सुख या दुख हो सब शामिल हो जाते हैं। वो तो तुम्हारी खुशी देखकर लग ही रहा है। अच्छा बताओ कि जब हमारी शादी तय हुई थी तब भी क्या तुम इतना खुश थे? हमारी शादी में हम सातवें आसमान पे उड़ रहे थे। पता है हमने अपनी शादी पे अपने हाथों से सबको लड्डू बांटा था। आपको नहीं मिला? वो तो नहीं मिले, लेकिन एक ये लड्डू जरूर मिल गया। ऑफिस के काम में दिल नहीं लगता क्या? इतनी जल्दी कैसे आ गए? नहीं एक्चुअली ऑफिस के काम से ही जल्दी आया हूँ। एक दो दिन की पैकिंग कर दो, मैं पूना जा रहा हूँ। पूना? कब? अभी थोड़ी देर में निकलना है। थोड़ी देर में? अब देखो ना, ये बॉस लोग भी समझते नहीं है। पता है कि अभी नई नई शादी हुई है, एक दूसरे से दूर कैसे रहेंगे? लेकिन नहीं, बस ऑर्डर दे दिया कि पूना जाओ। लेकिन हम तो शिकायत नहीं कर रहे हैं। ये शर्ट चलेगी? हाँ कुछ भी पहन लूंगा। अच्छा और ये दो फाइल्स भी रख देना प्लीज। वैसे आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं? एक दिन के अंदर आने की कोशिश करूंगा। वाह, ये किस लिए?
एक दिन आसानी से कट जाएगा। ओह ये किस लिए? दो दिन भी लग सकते हैं। तुम्हें वो कैसा लगा? वो ड्रेस तो कोई खास नहीं थी, सो-सो थी। क्या हुआ? सीधे सीधे क्यों नहीं पूछती हो कि तुम तेजस के बारे में बात कर रही थी? हमें बहुत अच्छा लगा उसे और तुम्हें साथ देकर। ऐसा लगा था कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। थैंक्स रानी। लो हम बड़ा ही तेजस के करें थैंक्स तुम कर रही हो। मैं थैंक्स उस मॉरल सपोर्ट के लिए कह रही हूँ जो मुझे तुमसे मिला है। सच रानी, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, फिर भी एक अजीब सा अपनापन है ना? विक्रम, विक्रम, माय बेस्ट फ्रेंड रानी। हाय रानी। विक्रम तो रितु से यहाँ सलोनी के साथ, तो वो लड़का जिसके साथ सलोनी, विक्की, विक्रम, ओह गॉड।